क्या मस्त रोटेट हो रहा है ना, तो ये हमारा डिस्क है और ये हमारा रिंग है, और ये दोनों समझोगे तो ये डेरिवेशन समझ जाओगे। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं मोमेंटम इनर्शिया किसका, रोटेटिंग डिस्क का। और इसके साथ गाइस एक चीज जरूर आपको बता के रखूंगा कि देखो आपका रोटेशनल डायनामिक के जहां एंड हो रहा है वहां एक पेज दिया हुआ, उस पेज पे बहुत सारे शेप का हमें क्या दिया हुआ, मोमेंटम इनर्शिया दिया हुआ है। तो भाई उसको जाके बाहर कर लो, उसको दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि वो आपके जेई के लिए, नीट के लिए, सीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो उसको दिमाग में फिट करके तुरंत याद कर लेना। और गाइस इसके साथ ही अपने प्रदीप सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्यों गाइस पता है, क्योंकि वहां जब जो सजेशन देते हो, जो मैसेज देते हो, उसी सभी चीजों को एनालाइज करके मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ। तो भाई जरूर, हाँ ये बोलोगे सर आप बहुत सारे लोगों को मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, तो भाई आपके लिए दिन भर मैं काम करता हूँ। हाँ चीजों को मैं एनालाइज कर सकता हूँ, पर इतने लोगों को रिप्लाई देना आप समझ सकते हो, तो मैं आपके लिए काम करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा। बट वो मैसेज जरूर कर दिया करो कि सर ये चीजें हमें चाहिए, तो भाई ये हमारी टीम देख के मुझे बता देती है। तो ये है मेरा इंस्टाग्राम प्रदीप3334, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलो भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेशन। किसका डेरिवेशन? मोमेंटम इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग डिस्क का डेरिवेशन। तो अब इसके अंदर देखने के लिए देखो मैं आपके लिए कुछ लाया हूं, स्पेशल लाया हूं। ये देखो ये हमारा डिस्क है, ये डिस्क है, और इसके साथ है मैं रिंग भी लेके आया हूं। ये दोनों बहुत जरूरी है समझने के लिए। तो ये हमारा डिस्क है, दिखाई दे रहा है, इसको ऐसा कर दूं तो दिखाई देगा। ये हमारा डिस्क है और ये हमारा रिंग है, और ये दोनों समझोगे तो ये डेरिवेशन समझ जाओगे। ये हमारा डिस्क एक एक्सिस पे क्या होता है, रोटेट होता रहता है। ओके, इस एक्सिस पे ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है देखो। और ये रोटेट होने के टाइम हमें क्या, ये जो रोटेट हो रहा है ये देखो क्या मस्त रोटेट हो रहा है ना। तो ये जो रोटेट हो रहा है, इसी रोटेटिंग डिस्क का हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सो भाई अब देखो यहां समझाता हूं अच्छे से। ये मान लो मेरा डिस्क है, और इस डिस्क का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, अरे भाई किधर जा रहा है, ये डिस्क का ये मोमेंट ऑफ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहां वो रोटेट हो रहा है। ऐसा हम समझ के चलते इस डिस्क के अंदर, इस डिस्क के अंदर ये डिस्क नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है। किससे बना हुआ, नंबर ऑफ रिंग को जब हमने कनेक्ट किया तो कंप्लीट ये डिस्क बन गया है। ये देखो ऐसा कलर हम यहाँ फिर से चेंज कर देते हैं। हाँ ये देखिए, एक मिनट लेना पड़ेगा थोड़ा, ऐसा ऐसा। तो आप समझ सकते हो, मतलब कहने का मतलब उनको ये बताना है, ये जो डिस्क बना हुआ है ये नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है, नंबर ऑफ रिंग्स को अटैच करके हमारे कंप्लीट क्या बन गया, डिस्क बन गया। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रिंग्स है, समझ में आ रहा है। तो मुझे इस डिस्क का क्या फाइंड करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट रिंग का भी हमें हेल्प लेना है। तो मैंने रिंग भी आपको दिखा दिया, डिस्क भी दिखा दिया। तो चलो स्टार्ट करते, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है भाई, कोई टेंशन नहीं है। तो चलो भाई अब ये फटाफट रफ हो जाओ, चलो चलो जल्दी हट जाओ, या चलो आप भी जाओ। ओके सो गाइस यहाँ देखो कुछ चीजें मैंने, यहाँ ये जो आपके बुक का डायग्राम है इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, तो हम यहाँ बड़ा कर देते हैं आपको, जिससे और चीजें मुझे समझाने में अच्छा होगा। ये देखो ओके, ये हमारा कंप्लीट दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ये जो ये बड़ा दिखाई दे रहा है, ये पूरा पार्ट हमारा डिस्क का पार्ट है, और वो एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा से क्या हो रहा है, ये देखो ये कलर हम चेंज करेंगे, ओमेगा से क्या हो रहा है, एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर, इस डिस्क के अंदर एक रिंग ले लिया, और उसी का हेल्प लेके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो उस डिस्क के अंदर हमने क्या ले लिया, रिंग ले लिया, जैसे मैंने बताया कि डिस्क नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है, और सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस रिंग का जो रेडियस है वो आर है। ओके और गाइस ये कंप्लीट सेंटर से जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से इस डिस्क का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ओके जो ये हमने रिंग लिया हुआ, इसके मास को हमने क्या लिया, डीएम लिया हुआ है, और इसका जो विड्थ है, इसका विड्थ जो साइज है, देखो ये वाला, ये देखो ये जो इसका विड्थ है, इसके विड्थ को हमने क्या लिया, डीआर लिया हुआ है। ओके इसके विड्थ को डीआर लिया हुआ, और ये जो कंप्लीट डिस्क है इसके मास को हमने कैपिटल एम लिया हुआ। तो भाई इतनी सब चीजें, और यही सब चीजें यहाँ लिखी हुई है जिससे आप आराम से समझ सकते हैं। और ये मैंने बोला, ये जो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन करो, स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया हुआ है हमने। तो भाई अब ले लेते हैं इसको अपनी जगह पे, चलो भाई अपनी जगह पे चले जाओ, फटाफट, चलो जाओ अपनी जगह पे, जहाँ से आए थे वहां से जाओ, हाँ अपनी जगह पे चले गए। तो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन।
सबसे पहले हम ये लिखेंगे, सरफेस डेंसिटी सरफेस डेंसिटी फॉर डिस्क। क्या होता है सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला? कलर चेंज करते हैं। सरफेस डेंसिटी इक्वल टू, याद रखना ये फॉर्मूला, याद रखना सरफेस डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन एरिया। भाई ये सरफेस डेंसिटी है, डेंसिटी नहीं है, ये सरफेस डेंसिटी है, इसलिए यहां मास अपॉन एरिया हमने लिखा हुआ। समझ में आया? नहीं तो आप वो डेंसिटी समझोगे, वो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है कमेंट में लिख के मुझे बताओ। ये सरफेस डेंसिटी है इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, मास अपॉन एरिया। तो भाई अब मैं इसको इस तरह से चेंज कर सकता हूँ, बताओ मुझे एरिया। और ये देखो ये पूरा डिस्क एक तरह से क्या है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्क एक तरह से हमारा क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है। ये क्या हुआ, सर्कल दिया हुआ है। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का, क्योंकि किसकी तरह एक्ट दिख रहा है, सर्कल की तरह। तो अगर मुझे इसका पूरा एरिया निकालना है तो मैं किसका फॉर्मूला यूज करूंगा, एरिया ऑफ सर्कल का। तो इसका क्या हो जाएगा, ये देखो एम ऐसे कैसे, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। देखो मैंने कैपिटल आर लिख रहा हूं, कैपिटल आर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां हम डिस्क की बात कर रहे हैं और डिस्क का मास कैपिटल एम है और उसका जो रेडियस है वो भी कैपिटल आर है। ये सब याद रखना छोटी छोटी चीज, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब चलते आगे, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट, और इसको मैं बॉक्स में डाल दूं, इसको बॉक्स में डाल दूं, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। ओके, अब हमने डिस्क का कर दिया, बट हमने डिस्क का सरफेस डेंसिटी फाइंड कर लिया। बट गाइस अगर हमें डिस्क का फाइंड करना है तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे रिंग का, किसका फाइंड करेंगे, रिंग का। और रिंग को रिंग के ऊपर हम इंटीग्रेट करके हम किसका फाइंड कर लेंगे, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो कैसे करते हैं, सरफेस डेंसिटी फॉर रिंग। देखो फॉर्मूला लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्या है, मास अपॉन एरिया। और यहां एक रिंग का, इसमें इस डिस्क के अंदर नंबर ऑफ रिंग है, कितने है रिंग है, नंबर ऑफ रिंग है, तो एक रिंग का मास कितना है, हमने लिया डीएम, क्योंकि छोटू सा मास, इस डिस्क के लिए एक छोटा सा पार्टिकल है, एक रिंग एक छोटा सा पार्टिकल है, इसलिए हमने उसके मास को हमने डीएम लिया है। क्या लिया, डीएम, एक छोटा सा पूरे बॉडी का एक छोटा सा पार्टिकल लिया हुआ है, एक रिंग मतलब एक छोटा सा पार्टिकल लिया हुआ है, इसलिए हमने स्मॉल एम नहीं लिया हुआ है, क्या लिया, डीएम लिया हुआ है। ओके, देन इसके बाद अब एरिया इसको स्मॉल ए ले लेते हैं। अब रिंग का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो रिंग का एरिया, ये देखो ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है ना, अभी हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ये तो सर्कल का सर्कमफेरेंस है, तो इसका अगर एरिया फाइंड करना है तो हम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, 2πr उसके विड्थ के साथ, विड्थ कितना है इसका विड्थ देखो कितना है, ये वाला इसका विड्थ कितना है, उसके सर्कमफेरेंस को जब हम विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ रिंग मिल जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, ये पूरा ये क्या है, हमारे सर्कल का सर्कमफेरेंस को जब हम उसके विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया। तो भाई अब यहां लिखेंगे डीएम इक्वल, ये दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सिग्मा इंटू 2πr इंटू डीएम, क्लियर। तो मिल गया ये सिग्मा, डीएम की वैल्यू मिल गई। ये डीएम की वैल्यू मैंने क्यों निकाली, ये सभी का आंसर आपको मिल जाएगा, बस वेट करो थोड़ा सा। इसको भी दे दो इक्वेशन नंबर, कलर चेंज करो, जितना ज्यादा कलर होता है ना टेंशन उतना ज्यादा होता है मेरे को तो दिमाग खराब हो जाता है नंबर ऑफ कलर्स चेंज करने में। तो कर दिया, अब हमने डीएम फाइंड कर लिया। अब गाइस यहां से एकदम दिमाग, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ना, और मैंने बताया कि अगर हमें डिस्क का फाइंड करना है तो सबसे पहले हम रिंग का फाइंड करेंगे, और रिंग का फाइंड करके हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। हमेशा ऐसे याद रखो कि सबसे छोटे पार्टिकल का फाइंड किया जाता है, छोटे पार्टिकल को जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कंप्लीट बॉडी का मिल जाता है। तो इस डिस्क का
छोटा सा पार्टिकल कौन है? रिंग। तो हम सबसे पहले रिंग का फाइंड करेंगे और रिंग को इंटीग्रेट करके हम किसका फाइंड कर लेंगे? डिस्क का। देखो तो मोमेंटम इनर्शिया ऑफ रिंग इक्वल टू, मोमेंटम इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता था? एम इंटू आर स्क्वायर होता है ना, तो लिख दिया। बट यहां मास क्या है? मास डीएम है। एक छोटे से पार्टिकल को मास क्या लेते हैं? डीएम लेते हैं। तो इसलिए मैंने लिख दिया डीएम इंटू आर स्क्वायर। आप सभी को फॉर्मूला मोमेंटम इनर्शिया का याद होगा, एम इंटू आर स्क्वायर होता है। बट यहां मास कितना है? डीएम है, क्योंकि छोटे से पार्टिकल का जब मास लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? डीएम लेते हैं। कंप्लीट बॉडी का लेंगे तो कैपिटल एम, उस कंप्लीट बॉडी के छोटे से पार्टिकल का लेंगे तो हम क्या लेंगे? डीएम। तो यहां रिंग का ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे? डीएम। कर दिया। अब मैं क्या करूंगा गाइस, देखो पहले यहां वैल्यू रख देता हूं। डीएम की वैल्यू कितनी है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से? ये देखो दिखाई दे रहा है, सिग्मा इंटू टू पाई आर इंटू डी आर। ओके, अब देखो ये आर स्क्वायर भी है, इसको भी आर स्क्वायर मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां और थोड़ा अच्छे से हम लिख देते हैं, सिग्मा इंटू टू पाई आर और आर, ये क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा इंटू डी आर। लिख दिया। अब प्रदीप सर ने बोला था ना हमें रिंग का थोड़ी फाइंड करना है, हमें किसका फाइंड करना है? डिस्क का फाइंड करना है। ये कंप्लीट बॉडी का एक छोटा सा पार्टिकल है रिंग। तो रिंग को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे, रिंग को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें किसका मिल जाएगा मोमेंटम इनर्शिया? डिस्क का मिल जाएगा। तो देखो बार बार चीजें मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और मेरे दोस्तों का सब चीजें क्लियर हो जाए अच्छे से। अपना यही एम भाई। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड, इंटीग्रेशन ऑफ रिंग। अब देखो यहां जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये सरफेस डेंसिटी और 2n पाई ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो हम ये इसको बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू को बाहर ले लेते हैं। और यहां इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आर क्यूब इंटू डी आर, समझ में आया? जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको बाहर निकाला जाता है, तो मैंने बाहर पहले ले लिया। अब देखो अच्छे से एकदम फोकस लगा के, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन के मोमेंटम इनर्शिया ऑफ रिंग, और जैसी मैं इंटीग्रेशन, मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट किया, और जैसी मैंने रिंग को इंटीग्रेट करूंगा, जैसी मैं रिंग को इंटीग्रेट करूंगा और इंटीग्रेशन जैसे लगा के जैसी मैं हटाऊंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? डिस्क। समझ में आया? इंटीग्रेशन लगाने का यही फायदा है, एक पार्टिकल जैसी मैंने इंटीग्रेशन लगाया और इंटीग्रेशन लगा के जैसी मैंने हटाया तो पार्टिकल किसका हो जाता है? कंप्लीट बॉडी का हो जाता है। अब देखो यहां सिग्मा इंटू टू पाई, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ आर आर एस टू थ्री इंटू डी आर, इसका एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला एक्स रेस टू एन, इसका क्या होता है? एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। याद रखो जो भी रेस टू में, जो भी पावर में नंबर है उसके साथ वन प्लस करो और जो भी वैल्यू आ रही है उसी को उससे क्या करो? डिवाइड करो। अगर मान लो यहां थ्री है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दो, हाँ एक चीज और मैं लिमिट लगाना भूल गया, कहां से कहां तक हमें, कहां से कहां तक का मोमेंटम इनर्शिया फाइंड करना है? अगर मैं इसको थोड़ा नीचे करूं, तो भाई आप नीचे आ जाइए, देखो कहां से लिमिट बताना पड़ेगा ना, कहां से कहां तक का है उसका स्टार्टिंग टू एंडिंग कहां है डिस्क का, तो मुझे वो लिमिट अप्लाई करना, एक लिमिटेशन अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये सेंटर से लेके, मतलब जीरो से लेके आर तक, लास्ट जीरो से लेके आर तक, तो मुझे यहां लिमिट भी अप्लाई करना पड़ेगा जीरो टू आर। ये लिमिट लगाना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो सब सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहां सिग्मा इंटू टू पाई, अब मैं क्या करूंगा? देखो इसका इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन मैंने फॉर्मूला बताया, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन क्या होता है? जो भी पावर दिया हुआ है उसके अंदर वन प्लस करो और उसी टोटल को डिवाइड कर दो। यहां कैसे हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि अब इंटीग्रेशन मुझे हटाना है, ये हो जाएगा थ्री है, थ्री में वन प्लस हो जाएगा आर एस टू फोर, और फोर को ही मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। और यहां जो लिमिट अप्लाई किया हुआ है, फिर मुझे लिमिट लिखना पड़ेगा, देखो आर टू जीरो। ओके, आप में से बहुत लोगों, हो सकता है लिमिट आता होगा, जिसको नहीं आता होगा सुनते जाओ प्यार से, कोई टेंशन नहीं है, प्रदीप सर है बताने के लिए। ये देखो सिग्मा इंटू टू पाई इंटू, अब देखो लिमिट कैसे, ये नंबर को एक बार अपर लिमिट से और ये नंबर को एक बार, देखो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैसे कर रहा हूं देखो, एक बार इसकी जगह पे रखो देन माइनस, फिर से इसकी जगह पे जीरो को रखो, कैसे देखो करके दिखा दो। सबसे पहले आर की जगह पे अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है? आर रेस टू फोर अपॉन फोर, अपर लिमिट माइनस, फिर से इसकी जगह पे लोअर लिमिट को रखो जीरो रेस टू फोर अपॉन फोर।
देखो ये हो गया, हमने लिमिट को भी अप्लाई कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसके जगह पे रिप्लेस करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो सिग्मा इंटू टू पाई इंटू इंटू, अब देखो आर रेस टू फोर अपॉन फोर, क्लियर। पर अभी तक हमारा खत्म नहीं हुआ, टेंशन नहीं लेने का, अभी खत्म नहीं हुआ भाई, अभी पिक्चर अभी बाकी है। थोड़ा हम इसको छोटा करें, कुछ चीज मुझे आपको दिखाना है। ये डायग्राम को मैं ले लेता हूं इधर। देखो हमारा ये आईडी की वैल्यू आ चुकी है, आईडी की वैल्यू ये आ चुकी है। आईडी की वैल्यू कितनी आई है, आईडी इक्वल टू सिग्मा इंटू टू पाई इंटू आर एस टू फोर अपॉन फोर। अब मैं यहां लिखूंगा, थोड़ा इसको थोड़ा क्लीन कर दूं और इसको भी हटा दूं। आपने तो वैसे मुझे फॉलो कर ही लिया होगा, मुझे पता है अपने सर को तो फॉलो करोगे ही यार। अच्छे काम करने वाले को लोग जल्दी फॉलो नहीं करते यार, ये तो मुझे पता है। ये आप देखोगे जनरली फॉलोवर्स किसके ज्यादा होते हैं। मैं इसको फिर से लिख देता हूं, सिग्मा इंटू टू पाई इंटू इंटू आर रेस टू फोर अपॉन फोर। आप जाके चेक करोगे ना, तो जितने भी टीचर जो बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं उनके फॉलोअर्स उतने नहीं मिलेंगे जितना ऐसे लोगों को मिलेंगे जिनका लोग सच में नहीं पसंद कर रहे हैं, फिर भी फॉलोअर्स उनके बहुत ज्यादा हैं। ये देखा जाता है, हो सकता है आपने देखा होगा। सो मोमेंटम इनिशिया डिस्क, अब हम क्या करेंगे, इस सिग्मा की वैल्यू, हमने सिग्मा की वैल्यू पहले फाइंड किया था डिस्क का, डिस्क का सिग्मा की वैल्यू क्या है, देखो एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो मैं इसके जगह पे रख दूंगा एम के, इस सिग्मा के जगह पे एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू टू पाई इंटू आर रेस टू फोर अपॉन फोर। कहां से पता चला, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो भाई पाई पाई कैंसल, ओके टू वन जा टू, टू टू जा फोर कैंसल, क्या क्या बचा हमारे पास, और एक चीज और कैंसल, देखो ये आर रेस टू, आर रेस टू टू है, ये आर रेस टू फोर है, तो यहां कैंसल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, देखो एम और ऊपर टू भी कैंसल है, पाई भी कैंसल है, आर एस टू फोर था तो आर एस टू टू बचेगा, क्योंकि यहाँ आर एस टू टू था, यहाँ आर एस टू फोर था, दो आर एस टू टू कैंसल हो गया, तो बचा एम आर स्क्वायर, और नीचे यहाँ देखो टू बचा हुआ है, तो ये मिल गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग डिस्क। कभी कभी हमें एक चीज प्रूफ करने के लिए आता है, क्या प्रूफ करने के लिए आता है, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा आता है, इसको मैं सेपरेट पहले लिख देता हूँ, यही है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग डिस्क, ये हमारा मिल चुका है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग डिस्क। बट कभी कभी एक चीज प्रूफ करने के लिए आता है, क्या आता है, देखो मैंने इसको सेपरेट कर देता हूँ इंटू एम आर स्क्वायर, और ये जो एम आर स्क्वायर है ना, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रिंग का, किसका है, रिंग का, याद कर लो अगर जिसको नहीं पता होगा, तो ये ऐसा आता है एग्जाम में, ऐसा आता है प्रूफ करने के लिए। तो हो गया ना, एम आर स्क्वायर किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग, तो एम आर स्क्वायर यहां लिखने का, वी नो दैट रिंग मोमेंट इनर्शिया ऑफ रिंग इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा, मोमेंट इनर्शिया ऑफ आर। तो हो गया भाई, ये है हमारा कंप्लीट डेरिवेशन किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग डिस्क। बट अगर कभी कभी एग्जाम में इस तरह से आया तो तुम क्या करना, वन बाई टू को अलग कर दो, एम आर स्क्वायर को अलग कर दो, और एम आर स्क्वायर किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का। कभी कभार आ जाता है गाइस, कंप्लीट ऐसा दिया रहेगा, सॉल्व वैसे का वैसे ही करना है। सबसे पहले हमने सरफेस डेंसिटी किसका निकाला, सरफेस डेंसिटी डिस्क का निकाला। बट कभी भी अगर अगर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक पार्टिकल का निकालो, उसको इंटीग्रेट करो, तो अपने आप कंप्लीट बॉडी की चीजें मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, इस रिंग के, इस डिस्क के अंदर जो एक एक पार्टिकल है, वो एक एक पार्टिकल हमारे लिए क्या है, रिंग है। हमने किसको कंसिडर किया, एक एक रिंग को कंसिडर किया। तो सबसे पहले हमने रिंग के बारे में, सबसे पहले रिंग का भी सरफेस डेंसिटी लिखा, फिर सरफेस डेंसिटी उसका लिखने के बाद फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया, क्योंकि हमें डिस्क का चाहिए, तो हमने जब उसको इंटीग्रेट किया तो हमें मिल गया मोमेंटम इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो भाई ये पूरी तरह से मैंने बताने का ट्राई किया है, बहुत अच्छे समझाने का ट्राई किया, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो भाई रेडी रहना, तैयार रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।